नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं दोबारा से आपके लिए साप्ताहिक राशि फल लेकर के कि आने वाले सप्ताह की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आने वाले सप्ताह में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। बात करेंगे 7 दिसंबर से 13 दिसंबर वाले सप्ताह की। सबसे पहले मैं बता दूं कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर वाले सप्ताह में 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है और उत्पन्ना एकादशी का जो पर्व है वो मनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस समय ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। तो 11 दिसंबर को उपवास रख करके अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा दिख रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी सेहत बेहतर रहेगी। करियर में छोटा मोटा परिवर्तन भी इस सप्ताह में दिख सकता है, लेकिन काम का दबाव बहुत होगा, प्रेशर बहुत होगा, काम इस सप्ताह में काफ़ी करना होगा। अगर आप विवाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या विवाह की दिशा में कोई कोशिश कर रहे हैं तो 11-12 तारीख को विवाह की दिशा में आपको फायदा हो सकता है। धन की स्थिति सप्ताह में सामान्य बनी हुई है। 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को दुर्घटनाओं से बचने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छे स्वास्थ्य के साथ नहीं हो रही है। 7 और 8 तारीख को आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 तारीख के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थितियां इस सप्ताह में अच्छी बनी रहेंगी, काम का प्रेशर कम होगा, परिवार में थोड़ा प्रेम बढ़ेगा और इस सप्ताह में परिवार से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह में यात्रा करने की संभावना बनते बनते रुक जाएगी, आप यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत दौड़ भाग के साथ हो रही है। छोटी मोटी यात्राओं पर सप्ताह की शुरुआत में जा सकते हैं, लेकिन 9 और 10 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 और 10 तारीख को सेहत बिगड़ सकती है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। संतान को लेकर इस सप्ताह में थोड़ी चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अभी दीजिए। जैसे जैसे बृहस्पति फेवरेबल होता जाएगा वैसे वैसे संतान की चिंताएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। इस सप्ताह में अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सप्ताह का आरंभ अच्छा है। किसी अच्छे शुरुआत की, किसी नए शुरुआत की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का समय भी है और करियर में बदलाव होने की संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। 11 और 12 तारीख को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने करियर की योजनाओं के बारे में, अपने विवाह की योजनाओं के बारे में बहुत सारे लोगों से डिस्कशन मत करिए। इस सप्ताह किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से मिलने की संभावना बनती है, जिसमें आपके पैसे वैसे खर्च होंगे, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन संबंधी लाभ होता हुआ भी सप्ताह में दिख रहा है। संतान के साथ बेवजह के वाद विवाद टसल इस सप्ताह में हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। और देखिए, पैसा खर्च करने में सावधानी रखिए, क्योंकि पैसा आपका बेवजह खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में आपको कठिनाइयां आ सकती हैं। सप्ताह के अंत में यानी 13 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखें, बेवजह का वाद विवाद ना करें। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मेहनत के साथ दिख रही है, काफ़ी परिश्रम दिख रहा है इस सप्ताह में, लेकिन 9 तारीख से आपकी स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिल सकता है, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और रुके हुए काम भी सप्ताह में आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, उस दिशा में सोच सकते हैं। आपके जो नज़दीकी लोग हैं उस तरफ से थोड़ी दिक्कत, थोड़ा कष्ट आपको हो सकता है, इसका ध्यान इस सप्ताह में रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत धन प्राप्ति के साथ दिख रही है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों में इस सप्ताह से मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन इस सप्ताह में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है और मानसिक तनाव भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान आपको इस सप्ताह में बनाए रखना चाहिए। इस सप्ताह में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखें,
संपत्ति अगर कोई खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में कोशिश करें, आपको फायदा होगा। और इस सप्ताह में जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह संबंधी मामलों में थोड़ी तेजी आ सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह आपके लिए प्रेशर नहीं दिखा रहा है, काम का प्रेशर कम होगा, करियर में स्थिरता आएगी, आपको मान सम्मान मिलेगा और पुराने तरीके से जीवन आपका रास्ते पे आता चला जाएगा। देखिए, सिर्फ एक ही बात है कि 11 और 12 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा और जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो लोग आपके हायर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बेवजह का तनाव मत पैदा करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, इस सप्ताह कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है जो आपके करियर से जुड़ी हुई होगी और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। काम की व्यस्तता थोड़ी कम होगी, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह के अंत में 13 तारीख को चोट चपेट न लगे, फिसल के गिर न जाएं, इसका ध्यान रखें। और 13 तारीख को अगर कोई पेपर साइन करने वाले हैं, किसी को कोई कमिटमेंट करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग आपके मित्र हैं, करीबी लोग हैं, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखें, बेवजह के पंगे मत लीजिए वरना दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इस सप्ताह में धन की स्थिति आपकी अच्छी है, करियर का प्रेशर काफ़ी हद तक कम होगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में आप विचार कर सकते हैं और उस दिशा में आपको फायदा इस सप्ताह में हो सकता है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक है, कुल मिला के धन की स्थिति भी आपके मन लायक बनी रहेगी, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखें और अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लीजिए, लापरवाही मत करिए, बीमारी को मत टालिए। खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा मेहनत करें, टहले घूमें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर भी ध्यान दें, जो परीक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, अगर उनके परिणाम इस सप्ताह में आ रहे हैं तो परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, मेहनत तो ज़रूर है लेकिन मेहनत का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको सफलताएं भी ज़रूर मिलेंगी सप्ताह में। और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस सप्ताह में तय हो सकता है। 11 और 12 तारीख को मीन राशि वालों को विशेष तौर से चोट चपेट का, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है, बेवजह के वाद विवाद नहीं करने हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो बहुत ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखेंगे। इस सप्ताह में करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी सूचना आपको सप्ताह के अंत में मिल सकती है जो आपके करियर में आपको सफलता दे सकती है। इस सप्ताह को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि इस सप्ताह में भगवान भैरव की पूजा की जाए, काल भैरव की जयंती भी इसी सप्ताह में है और इस सप्ताह में अगर भगवान काल भैरव की पूजा आप करें, ज़्यादा कुछ ना करें, रोज़ शाम को भगवान काल भैरव के चित्र के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जला के प्रार्थना करें तो आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे, रोगों से समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इस सप्ताह हम लाइव होंगे बुधवार को रात में 9 बजे, 9 बजे रात में आप हमारे साथ जुड़ सकेंगे और जुड़ करके लाइव अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकेंगे। फिलहाल प्लेनेट पांडे की हमारी इस प्रस्तुति में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।